नए कैबिनेट में मोहम्मद इसराइल मंसूरी जी को भी जगह मिली है, मुजफ्फरपुर यानी कि उत्तर बिहार के इलाके से आते हैं, पहले क्या कहेंगे? इससे तो सबसे पहले तो हम गरीबों की मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भविष्य युवाओं की आन बानशान आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी मैडम जी और जितने वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं तमाम लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपने कैबिनेट में हमको जगह देने का काम किया है और निश्चित तौर पर जो है सो कि जो सेवा करने का मौका दिया गया है हम सेवा करने पूरी पहली प्राथमिकता क्या हो अल्पसंख्यक सरकार आप कह सकते हैं कि पिछले 20 वर्षों से नहीं थी भागीदारी नहीं ठीक है अल्पसंख्यकों की भागीदारी सरकार में बढ़ी है तो निश्चित तौर पर जो है सो एक भय और वातावरण जो बनाया गया था निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं पूरे देश से जो भय वातावरण बनाया गया था वह जो है बिहार रोकने का काम करेगा। बातें दिए हैं इसराइल मंसूरी जी और ये मानते हैं कि नई सरकार में अल्पसंख्यकों के हित में काम किए जाएंगे। नई कैबिनेट में फिर श्रवण कुमार जी को भी जिम्मेवारी मिली है, लगातार मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, सर क्या कहेंगे? जो भी चुनौतियाँ हैं उसका सामना हम लोग करेंगे और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो अब तक चुनौती आई है उसका सामना करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और इस बार तो उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार में 20 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, नौकरी से जोड़ेंगे, ये काम बिहार में हम लोग पूरा करेंगे। सरकार के अंदर, सरकार के बाहर पार्टी विधायकों को समेट के रखना, अब एक नई जिम्मेवारी नालंदा की भी जिम्मेवारी श्रवण कुमार पर आरसीपी सिंह प्रकरण के बाद? नहीं, वो सब कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो हमारे छोटे गांव के जो कार्यकर्ता हैं वही संभाल लेते हैं। हम लोग लंबे अरसे से नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए हैं, राजनीति सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, तो नालंदा का क्या टेम्परामेंट है, नालंदा के क्या लोग चाहते हैं, एक एक लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं और नीतीश कुमार जी के अंतिम क्षण तक उनके साथ रहेंगे। तो ये हैं श्रवण कुमार, पार्टी की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ नालंदा की भी जिम्मेवारी लगाएंगे, का निर्वाह करेंगे और इन्होंने इशारों में आरसीपी को जवाब भी दे दिया। मंत्री जी बहुत बहुत बधाई। नई कैबिनेट में फिर अशोक चौधरी जी आए हैं, पहले तो बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई नहीं चुने, देखिए नीतीश कुमार खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और अपने आप में प्रदेश की चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं। सरकार किसी की भी हो, वो चाहते हैं, प्रयास करते हैं कि सरकार को विथ नए लॉ एंड ऑर्डर और नया डेवलपमेंट के प्रोसेस से हम आगे लेके जाएं, उस प्रयास हमारे जारी रहेगी। बीजेपी पहले से ही जो ही सरकार आप लोगों ने बनाई, जंगल राज, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, करने दीजिए ना, उनके पास इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है ना। सरकार बनने से फिर कुछ कोई नई चुनौती नहीं आएगी, कोई नई चुनौती। तो ये है अशोक चौधरी और ये मानते हैं कि कोई नई चुनौतियां नहीं है, सरकार पूरी तरह से चलेगी और बेहतर तरीके से चलेगी। नई कैबिनेट में समीर कुमार महासेठ जी को भी जगह मिली है, लालू तेजस्वी के विश्वास पात्र तो रहे हैं, बड़े वैश्य नेता भी रहे हैं, वैश्य कोटे यानी कि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको संभालने की जिम्मेवारी समीर महासेठ को दी गई है, क्या चुनौती है आपके? पहले तो बधाई। निश्चित तौर पर हम चुनौती तो आप कहते हैं लेकिन ऐसा कोई चुनौती नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य एजेंडा था, हम समझते हैं मेरे आने के बाद उनके बोली में वाणी में लगाम लगेगा और अच्छे कर्मों के तरफ, सत कर्मों के तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि दो से बनावट बना था जिसमें दरभंगा जिला से भी एक एमपी हुआ करते थे और पूरे देश में है, पूरा ऐसा कोई कृत नहीं करें जिससे उनकी बदनामी हो। हम पूरी तरह उनका सम्मान करना चाहते हैं और अपने कृत में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक छोटी लकीर थी उसे बड़ी लकीर में परिवर्तित। तेजस्वी जी ने टीम बनाई है जी, बेहतर छवि, बेहतर लोगों को भी लेने का प्रयास किया, उसमें एक आदमी है, कि सरकार का आकर्षण लोगों को दिखे। निश्चित तौर पर क्रियाकलाप में जो परिवर्तन आपको दिखेगा और तेजस्वी जी का सोच इतना मैच्योर, 5 साल में इतने मैच्योर हो गया कि फिर आवश्यकता नहीं है, चूँकि जो ज़्यादा रगड़ाता है तो उसमें मैच्योरिटी आती है, तो रगड़ाने के बाद मैच्योरिटी आ रही है। धन्यवाद। तो ये है समीर कुमार महासेठ जी और ये मानते हैं कि इस बार के मंत्रिमंडल का चेहरा बदला है और इसका असर आम जनता पर भी दिखाई देगा। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश पटना।